नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और पिछले साल जब भारत के एक जांबाज पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर चुनौती दी थी कि पाकिस्तान ने अगर अभिनंदन नाम के हमारे विंग कमांडर को नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल बालाकोट में जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कुछ हवाई जहाज उड़ाए गए थे और F-16 के पायलट को मारने के दौरान अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। F-16 को गिराने के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे और उन्हें पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था, जिसकी खबर के बाद प्रधानमंत्री बौखला गए थे। वायुसेना ने तैयारियां कर ली थी और हमने तभी आपको बताया था कि पाकिस्तान को हर हालत में भारत के इस जांबाज पायलट को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ जाएगा दुनिया के नक्शे में से। इसको लेकर भारत में तमाम लिबरल्स ये कहने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान कोई डरने वाला नहीं है। इमरान खान की तारीफों में तमाम लिबरल ने बातें कही थी और उसके बाद भारत की धमकी का असर हुआ था। पाकिस्तान ने बिना शर्त अभिनंदन को छोड़ दिया था। अभिनंदन वर्तमान भारत आए थे और उसके बाद तमाम जो लिबरल पत्रकार प्रपंचकारी प्रेस्टिट्यूट्स थे उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए थे। इमरान खान को उन्होंने नोबल पुरस्कार देना शुरू कर दिया था, पीस पुरस्कार, और भारत के ऊपर जीत बता दी थी, मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर जीत बता दी थी। लेकिन अब उसकी पोल खुल चुकी है। पाकिस्तान के एक सांसद ने अपने देश की संसद में जिस तरीके से उस सच्चाई को उगल दिया है और कह दिया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भिखारी खान उर्फ इमरान खान ने अभिनंदन वर्तमान को किसी शांति के लिए नहीं छोड़ा था बल्कि डर की वजह से छोड़ा था, और जिस समय उस पर चर्चा हो रही थी तो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख कमर जावेद बाजवा कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना था और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसकी पैंट भी गीली हो रही थी। और शाह महमूद कुरैशी ने संसद में ये कहा था, उस मीटिंग में ये कहा था कि अगर हमने 9 बजे तक अभिनंदन वर्तमान नाम के इस पायलट को नहीं छोड़ा तो हिंदुस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा, इसलिए खुदा के वास्ते इसको जाने दीजिए। ये खुलासा पाकिस्तानी सांसद ने किया और उसने वो सारी पोल खोल दी, वो सारी सच सामने ला दी जिसको हम एक साल पहले ही यानी जिस दिन अभिनंदन को छोड़ा जाना था उसी दिन हमने आपको बताया था कि ये सब डर की वजह से हुआ है। भारत की सेना का डर, भारतीय वायुसेना का डर और भारत के जांबाज सैनिकों का डर। इस बात की पुष्टि BS धनोवा जी ने भी की है जो रिटायर्ड वायुसेना प्रमुख है और उस समय तत्कालीन वायुसेना प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया है 100% सच है। भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर रखी थी और अगर पाकिस्तान इसमें डिले करता, उस घोषणा में डिले करता, तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की जो अग्रिम चौकियां हैं उनको एक घंटे के अंदर तबाह करके आगे बढ़ जाती और ये शायद कराची तक भी मामला पहुंच सकता था। यानी कि भारतीय वायुसेना का जो बार है लाहौर कराची जैसे पाकिस्तान के शहरों पर भी हो सकता था, जिसके पूरी संभावना थी और इसकी भनक पाकिस्तान को लग गई थी। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को बता दिया था कि इस मामले में अगर वो जिद पर अड़ा रहा, भारत की बात नहीं मानी, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लिबरल्स ऐसे थे, कुछ गद्दारों का साथ देने वाले लोग ऐसे थे, कुछ पाकिस्तान परस्त ऐसे थे कि इस पूरी घटना में भी वो पाकिस्तान की जीत देख रहे थे। भारत में जब अभिनंदन वर्तमान आए थे तो कुछ लोग तो इमरान खान के लिए नाचने गाने और गीत गाने लगे थे, जिनमें राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त से लेकर हरिंदर बवेजा, अशोक स्वाइन, प्रशांत भूषण जैसे लोग भी इसमें शामिल थे। ये सब के सब ये कह रहे थे कि इस मामले में, शांति स्थापना के मामले में, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जीत गया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी इसको लेकर ये कहता हुआ नजर आ रहा था। पूरी कांग्रेस ये कह रही थी कि अभिनंदन वर्तमान के भारत लौटने में मोदी सरकार का, भारत की सेना का कोई योगदान नहीं है, बल्कि ये तो दयालुता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भिखारी खान उर्फ इमरान खान न्याजी की, जिसका जो दादा था उसने कायरता के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल JJ सिंह के सामने 99,000 के करीब की सेना लेकर सरेंडर किया था। उसी न्याजी के वंशज को वो लोग बहुत बड़ा 30 मारखा बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने आपको उसी दिन ये खबर पूरी तरीके से सच्चाई के साथ बताई थी,
कि पाकिस्तान ने भारत की ताकत से डरते हुए भारत के जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को छोड़ा है। ये कोई शांति स्थापना की बात नहीं है, ये कोई तनाव कम करने की कोशिश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जानता है कि इस समय भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेर चुकी है। जी हाँ, उस समय सेना पूरी तरह से तैयार थी और सेना के साथ साथ वायुसेना भी मोर्चा ले चुकी थी और भारत की नौसेना ने भी अपनी पनडुब्बियों को, अपने जहाज़ों को जो समुद्र का इलाका है, जो अरब सागर का इलाका है, उसमें आदेश दे दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं, ज़मीन पर भी कब्जा कर सकते हैं। और ये सारी भनक इंटेलिजेंस के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को थी, जिसका जिक्र सादिक अयाज ने किया और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो इतना डरा हुआ था कि वो खुद मीटिंग में नहीं आया। अब यह खुलासा होने के बाद में जिन जिन लोगों ने इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के गीत गाए थे, पाकिस्तान की चाटुकारिता की थी, इमरान खान को बहुत बड़ा शांति स्थापित करने वाला नेता बताने की कोशिश करी थी, क्या वो धूर्त लोग इस पूरे मामले में माफी मांगेंगे? क्या बरखा दत्त माफी मांगेगी? क्या राजदीप सरदेसाई झूठी खबर परोसने के लिए माफी मांगेगा? क्या अशोक स्वाइन, क्या शोभा दे, क्या हरिंदर बवेजा, क्या प्रशांत भूषण? प्रशांत भूषण तो हालांकि कोर्ट से भी माफी नहीं मांगता है, ये तो इतना ढीठ है कि कोर्ट से बेइज्जत होने के बावजूद ये अपने आप को बहुत बड़ा विजेता दिखाता है। ये दरअसल जो एक कहावत है कि लातों के भूत हैं बातों से नहीं मानेंगे। एक बार तो प्रशांत भूषण के ऊपर देश के कुछ युवाओं ने लातों से हमला भी किया था, हालांकि हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन उस समय प्रशांत भूषण का असली रूप सामने आया था और जब पिट रहा था तब तो वो शांति की बात कर रहा था, लेकिन बाद में जिस लड़के ने प्रशांत भूषण को लातों से रौंदा था उसको इसने अपने कर्मचारियों की मदद से बहुत पीटा था। लेकिन ये दूसरा चैप्टर है। प्रशांत भूषण कोर्ट की बात नहीं मानता है, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से प्रशांत भूषण बातें कर रहा था, राजदीप सरदेसाई इसको वोट बैंक का मामला बता रहा था, बरखा दत्त इस मामले में ये कहती नजर आ रही थी कि हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस बात का स्वागत करना चाहिए, अशोक स्वाइन जो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आप इसको कह सकते हैं, वो भी इसी तरीके की बातें कर रहा था। तो ये सारे के सारे लोग मिलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना में दम नहीं है, बल्कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को जो पाकिस्तान ने छोड़ा है ये हमारे ऊपर एहसान किया है। और वो भूल गए थे कि भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान इस कदर खौफजदा है कि वो भारत की हर बात को मानने के लिए राजी है। लेकिन इन लोगों के मन में मोदी के प्रति जो एक द्वेष था, एक ईर्ष्या थी, ये किसी भी हालत में जानते थे कि अगर इस बात के लिए वो वायुसेना को धन्यवाद देंगे, वायुसेना की ताकत का जिक्र करेंगे, तो ये सीधे तौर पर मोदी के लिए फायदेमंद चीज़ होगी। देश में चुनाव आने वाले हैं और चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। यही वजह थी कि पूरी की पूरी कांग्रेस, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री भी जो भारत का प्रधानमंत्री रहा है, वो भी इस मामले में जिस तरीके की बातें कर रहा था चिदंबरम और दिग्विजय सिंह से तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो देश हित में कुछ बोलेंगे, लेकिन मनमोहन सिंह भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से सोनिया और राहुल की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए थे, उससे ये अच्छी तरीके से साबित हो जाता है कि आदमी एक बार जब गुलामी का जीवन जी लेता है तो वो कभी भी उस गुलामी से उबर नहीं पाता है। और जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के प्रमुख बीएस धनोवा पर इल्जाम लगाए गए थे, उन्होंने जब राफेल की तारीफ कर दी थी, तो इन्हीं लोगों ने उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों की कठपुतली बताने की कोशिश की थी। और एक कांग्रेस का नेता तो भारतीय सेना के प्रमुख, तत्कालीन प्रमुख जनरल बिपिन रावत को भी गली का गुंडा कहता हुआ नजर आया था। तो अब ये मनीष तिवारी, मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम जैसे लोग, ए के एंटनी, मनमोहन सिंह जैसे जो लोग जो दिखावे के लिए अपने आप को ईमानदार कहते हैं लेकिन वो इन लोगों की गुलामी करते हैं, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये क्या देश से माफी मांगेंगे? क्या भारतीय वायुसेना से माफी मांगेंगे? क्या भारतीय सेना से माफी मांगेंगे? और क्या अभिनंदन वर्तमान से माफी मांगेंगे? अभिनंदन वर्तमान के एपिसोड को लेकर बीएस धनोवा ने कहा कि हमने पहले ही अभिनंदन के पिता को बता दिया था कि हम उनको वापस लेकर आएंगे और पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान जल्द ही भारत की बात नहीं मानता है तो निश्चित तौर पर भारत वो करेगा जिसको दुनिया देखेगी। और ये धमक भारत की अमेरिका तक
पहुंच चुकी थी। ब्रिटेन से लेकर रूस जैसे देशों ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि इस बार भारत के गुस्से से, भारत के प्रकोप से और भारत की दंड नीति से पाकिस्तान को कोई बचा नहीं पाएगा। पाकिस्तान अगर अपनी खैरियत चाहता है, विश्व के नक्शे में अपने देश को एक ही तौर पर देखना चाहता है, उसके टुकड़े जल्दी नहीं देखना चाहता, तो निश्चित तौर पर भारत के इस जांबाज पायलट को उसे वापस करना पड़ेगा जिसने अपने MiG-21 के माध्यम से MiG-21 की डॉग फाइट में F-16 को मार गिराया था, जो कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक धक्के वाली बात थी कि अमेरिका का आधुनिकतम जेट एक MiG-21 से भारतीय वायु सैनिक ने मार गिरा दिया था। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी एक विजय थी भारत के लिए, लेकिन भारत में रहने वाले पाकिस्तान परस्ती करने वाले कुछ राजनेताओं ने, कुछ प्रपंचकारी प्रेस्टिट्यूट्स ने, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, खाते यहाँ की हैं, गाते कहीं और का हैं, जो पाकिस्तान की प्रशंसा करने में भी शर्म महसूस नहीं करते, जो इमरान खान को विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने की बात कर रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे चाटुकार लोग, ये सब के सब उस समय जिस तरीके की बातें कर रहे थे, अब उन्हें इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की संसद में भी मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी की चर्चा हो रही है और इस पर शाह महमूद कुरैशी जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, वो जिस तरीके से खींच रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लोग पुरानी सच्चाई को बाहर लेकर आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत की सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मन में समाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा के मन में समाया हुआ है, किस तरीके से उनकी पैंट गीली हो गई थी, किस तरीके से वो कांप रहे थे और किस तरीके से उसके जो पेशानी थी यानी माथे पर पसीना था, ये सारी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि भारतीय सेना ने जो कुछ किया था, भारतीय वायुसेना ने जो कुछ किया था, वो एक हकीकत थी। भारत की एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए थे, लोगों ने यहां तक कह दिया था कि क्या वहां जब भारतीय वायुसेना गई थी तो पेड़ गिराकर आई थी, लेकिन अब उन्हें इस सारे के सारे वाकये के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद, कम से कम देश की जनता से तो माफी मांग लेनी चाहिए अगर उनकी आंखों में थोड़ा बहुत पानी बचा है, नहीं तो फिर लोग उनके ऊपर थूकेंगे ही थूकेंगे। जय हिंद, जय भारत।